हेलो फ्रेंड्स, आरएचईएल की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सीखेंगे टार कमांड का यूज। टार स्टैंड फॉर टेप अचीव। टार कमांड को ओरिजिनली यूनिक्स सिस्टम की फाइल्स का टेप बेस्ड स्टोरेज डिवाइस में बैकअप लेने के पर्पज से किया गया था। इन द अर्ली डेज ऑफ यूनिक्स, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर टेप ड्राइव से डील करने के लिए टार का यूज करते थे। रिसेंट डेज में टार कमांड का यूज मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज के कलेक्शन को एक सिंगल कंप्रेस अचीव फाइल में रिप करने के लिए किया जाता है, और उस सिंगल फाइल को लिनक्स में टार फाइल, जीजी फाइल या बीजी फाइल भी कहा जाता है। टार कमांड का मोस्ट वाइडली यूज मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज के कलेक्शन को एक सिंगल कंप्रेस अचीव फाइल में रिप करने के लिए किया जाता है, ताकि उस फाइल को एक डिस्क से दूसरी डिस्क में या एक पीसी से दूसरे पीसी में आसानी से मूव किया जा सके। इसके लिए टार कमांड का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं टार फाइल की। टार फाइल होती क्या है? टार फाइल इज एन अर्चिव फाइल डेट कंटेंस वन और मोर फाइल्स इन साइड। एंड टार फाइल एक अर्चिव फाइल है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। यहाँ पे दूसरे शब्दों में कहें तो टार फाइल इज एन कलेक्शन ऑफ मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, टार फाइल इज नॉट अ कंप्रेस फाइल, इट इज सिंपली ए फॉर्मेट यूज फॉर अर्चिविंग फाइल्स। ठीक है, यदि आपने मल्टीपल फाइल्स को रिप करके उनकी एक सिंगल फाइल क्रिएट कर दी है तो वो एक सिंगल फाइल जरूर बन जाएगी, लेकिन उसके साइज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसकी साइज वही रहेगी। ठीक है, यानी मल्टीपल फाइल्स एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट जरूर हो जाएगी, लेकिन उसकी साइज वही रहेगी। ठीक है, तो टार फाइल इज नॉट अ कंप्रेस फाइल, टार फाइल कंप्रेस फाइल नहीं कहलाती है। यदि आपको टार फाइल को कंप्रेस करना है या फिर उसकी साइज रिड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको एडिशनल टूल्स यूज करने पड़ेंगे। तो यूनिक्स और लिनक्स में किसी टार फाइल को कंप्रेस करने के लिए एडिशनल टूल के रूप में जीजिप और बीजिप टू को यूज किया जाता है। यदि आपको किसी टार फाइल को कंप्रेस करना है तो उसके लिए आपको या तो जीजिप यूज करना पड़ेगा या फिर बीजिप टू यूज करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं टार कमांड ऑप्शंस की। तो फॉलोइंग ऑप्शन टार कमांड के साथ में यूज होते हैं। यदि आपको न्यू अर्चिव फाइल क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको टार कमांड के साथ में हाइफन सी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, हाइफन वी फॉर वर्कबोच। यदि आप कोई टार अर्चिव फाइल क्रिएट कर रहे हैं और उसके साथ में आप हाइफन वी ऑप्शन यूज कर रहे हैं तो आप उस टार फाइल में कौन कौन सी फाइल ऐड कर रहे हैं ये उनके नेम को डिस्प्ले करेगा। और हाइफन टी, यदि आपको किसी टार फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट करना है या फिर आपको चेक करना है कि उस फाइल में कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं, कौन कौन सी फाइल्स हैं, ये आपको चेक करना है तो उसके लिए आपको टार कमांड के साथ में हाइफन टी ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। हाइफन एक्स किसी अर्चिव फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है। हाइफन आर, यदि आपको किसी टार फाइल में कोई फाइल अपेंड करनी है या टार फाइल के एंड में कोई फाइल आपको अपेंड करनी है तो उसके लिए हाइफन आर ऑप्शन यूज किया जाता है टार कमांड के साथ में। हाइफन डब्ल्यू कि आप चाहते हैं कि कोई भी आप टार कमांड के साथ में कोई भी एक्शन परफॉर्म करें तो हर बार वो आपको कंफर्मेशन के लिए पूछे, यानी आप कोई फाइल ऐड कर रहे हैं या उससे कोई फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि जब भी कोई फाइल एक्सट्रैक्ट करें या फिर ऐड करें तो हर बार ये कंफर्मेशन के लिए पूछे तो उसके लिए आपको टार कमांड के साथ में हाइफन डब्ल्यू ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो हम सीखेंगे कि अर्चिव फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, कंप्रेस फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, टार फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, टार फाइल का कंटेंट लिस्ट आउट कैसे करते हैं, उसमें फाइल अपेंड कैसे करते हैं। ये सब हम इन सभी प्रैक्टिकल को वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।